जैसे कि आप तमाम जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान में हमारी दो बहनों के साथ इस्मत रेजी की गई, उसका कत्ल कर दिया गया, जिसमें एक हमारी हैदराबाद की मासूम बहन चरित्रा है, दूसरी हमारी दिल्ली की बहन सबिया राबिया है, जिसका जो है दर्दमंदाना जो है कत्ल कर दिया गया। उसी के खिलाफ आज सशतंत्र के नौजवानों ने, अहमदनगर के नौजवानों ने इतिहाद वेलफेयर सोसाइटी और सुपा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर पर एक रैली मुनक्किद की गई है। इस रैली मुनक्किद करने का एक मकसद ये भी है, हम हिंदुस्तान के हुकूमत से और तेलंगाना की हुकूमत से एक दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं और एक इल्तिजा करते हैं कि आप इस रेपिस्टों को जो है फांसी की सजा जल्द से जल्द दें। ऐसा ना हो जिस तरीके से आपने मोइनाबाद के वाकये में किया, ऐसा ना हो जिस तरीके से आपने हमारी आसिफा के वाकये में किया, ऐसा इन बहनों के साथ ना हो। इसी के लिए आज अहमदनगर के नौजवानों ने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए उन बहनों के गम में शामिल हुआ है और हमारी उन बहनों को जल्द से जल्द दे। ऐसा ना हो जिस तरीके से आपने मोइनाबाद के वाकये में किया, ऐसा ना हो जिस तरीके से आपने हमारी आसिफा के वाकये में किया, ऐसा इन बहनों के साथ ना हो। इसी के लिए आज अहमदनगर के नौजवानों ने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए उन बहनों के गम में शामिल हुआ है और हमारी उन बहनों को एक पैगाम दिया है, जो बहनें पढ़ लिख कर जो है अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती है, जिस तरीके से मेरी बहन सबिया राबिया इस मुल्क की खिदमत कर रही थी, जो कि सिविल डिफेंस में काम कर रही थी, उसी तरीके से मेरी जो बहनों के अंदर एक हिम्मत थी वो टूट चुकी है। उसको देखकर आज हिंदुस्तान के हमारे वजीर आजम से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये आपकी जो है फर्ज है कि आप हमारी उस बहन के घर पर जाकर मुलाकात करें, उनके गम में शामिल हो। अगर आप उनके गम में शामिल होंगे तो यकीनन हमारी उस दूसरी बहनों के अंदर एक हिम्मत पैदा होगी कि यकीनन हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे साथ है, आगे ऐसे वाकयात नहीं होंगे। इसका पैगाम आपको अगर देना है तो इस बहन के घर को जाकर देना है, वो दिल्ली का वाकया है। अब मैं अगर बात करूं हैदराबाद की हमारी बहन मासूम बहन चरित्रा, जो कि हमारी दलित बहन है, मैं हमारे तेलंगाना के हमारे मिनिस्टर साहब केटीआर साहब और सीएम के हमारे केसीआर साहब से गुजारिश करता हूं कि आपको भी चाहिए कि आप हमारी उस बहन दलित बहन के घर पर जाकर मुलाकात करें, उसके गम में शामिल हो। जिस तरीके से अहमदनगर के नौजवानों ने गम में शामिल होते हुए एहतजाज बुलंद किया, आज ही हमारा इस्लामी फरीजा भी है, हमारा हिंदुस्तानी फरीजा भी है कि हम दूसरों के गम में शामिल हो। जब कभी भी हम बुराई को देखते हैं, हमको इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, अगर कहीं पर आप बुराई देखें तो आपके अंदर अगर हिम्मत है उसको रोकने की तो आप रोकें, अगर आपके अंदर उसको रोकने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम आप उसके ऊपर आवाज़ को बुलंद करें, अगर आपके अंदर उसकी भी हिम्मत नहीं है तो कम से कम आप अपने दिल के अंदर जो है गम महसूस करें कि हाँ फला चीज जो है गलत हुई है। तो इसी का पैगाम देते हुए आज अहमदनगर के नौजवानों इस रैली का मुनक्किद किया गया है। मैं फिर से एक बार उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने इस रैली में शिरकत फरमाकर इस रैली को कामयाब बनाया है। और आखिर में मैं फिर से एक बार हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहूंगा कि आप इस जो है इस वाकये को आप नजरअंदाज ना करें, इस वाकये को ना दबाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते हुए 21 दिन के अंदर इन मासूम बहनों के खातिलों को आप फांसी पर चढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप फांसी पर चढ़ाएंगे तो हमारी उन दूसरी बहनों के अंदर हिम्मत पैदा होंगी, मुल्क की खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा और हमारे नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा मुल्क की खिदमत करने के लिए, और उन जालिमों के अंदर एक जो है डर पैदा होगा जो लोग इन बहनों के साथ ऐसा करने की सोचते हैं। और उसके बाद मैं आपको आखिरी बात एक बताता चलूं, मैं हमारे नौजवानों से और हमारे भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि यकीनन वो तो दिल्ली के वाकये हैदराबाद का रेप का वाकया है, लेकिन आज हमको अगर इसका खात्मा करना है, इन जुल्म का औरत जुल्म का अगर खात्मा करना है तो अपने गाँव से करना होगा। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप हुसैन यलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप, हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933985054110120। हुसैन यलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।